अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फारूक शबाज बड़ाइच। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के जनरल सेक्रेटरी हैं। मौलाना, वो आपने आज़ादी मार्च किया, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को देख रहा था, आप बड़े दबंग अंदाज से बैठे रहे इतने दिन, फिर वो आज़ादी मार्च ख़त्म हुआ और मौलाना ने कहा कि हमारे साथ वादा किया था कुछ शरीफ लोगों ने। वो शरीफ लोग कौन थे और उन्होंने वादा किया कि मार्च में इलेक्शन करवाएंगे, वादा भी वफा नहीं किया, तो गुस्सा तो आपको आया होगा? मेरे ख्याल में बोसीदा और पीछे जाने की बजाय, ऐसे सवालात उठाने की बजाय, हम अभी जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस हवाले से आप बात करें। हर तहरीक में हुकूमत की जानिब से लोग आते हैं, कुछ वादा वईद करते हैं, उनको पूरा नहीं करते, उसके बाद वो तहरीकें रुकती नहीं है, चलती है। हमारी तहरीक भी रुकी नहीं, कोरोना की वजह से 4-6 महीने रुक गई थी, उसके बाद PDM की तश्कील हुई और असर नौ जो है वो हमने शुरू की इस तहरीक को, और इस तहरीक के नतीजे में हमने अब तक 5 जलसे मुकम्मल किए, ये 6ठा जलसा है, और कौम और दुनिया आपके सामने, कितनी दुनिया है, तो इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रहेगी मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरानों के खात्मे तक। मौलाना, आपको हक क्या है कि आप सवाल को जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये आवाम का सवाल है जिसे आप कह रहे हैं, ये बोसीदा बातें हैं। गुजारिश ये है कि आपके कायद कह रहे हैं कि हमारे साथ लोगों ने वादा किया था, और ये आवाम की अमानत है ना, उसने सामने लाया ना, उसने बात कही, बात ख़त्म हो गई। अभी 1 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ, उसी सवाल को हम दोहराते रहे, तो अच्छा, आपको कोई मसला नहीं कि किसी ने वादा किया था, पूरा हुआ नहीं हुआ, इस बात से कोई मसला नहीं है? देखिए, मसला है या नहीं है वो बात गुजर गई, अब आप नए हालात के मुताबिक पूछे कि आपकी तहरीक का मंतिकी नतीजा क्या होना है, आपने इस्तीफा देना है नहीं देना, मैं आपकी, आपने मजीद लॉन्ग मार्च करने हैं नहीं करने, आपने जलसे करने हैं नहीं करने, सवाल मैं आपको देता हूँ, आप मुझसे कर ले। देखे ना, मैं आपकी मर्जी के सवाल तो नहीं करूंगा ना, पब्लिक के सवाल आते हैं, मर्जी का जवाब भी नहीं दे सकते। नहीं, आप ना देंगे, आपका हक है। पाबंद नहीं हूँ, आप पाबंद नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। ये तो आप अपनी बात करें, आप उस वफद में तो थे ना जिनके साथ लोग मिल रहे थे, अहम लोग मिल रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं थे, मैं नहीं था। और मौलाना फजल रहमान की इन 2 सालों में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, वो बात भी मैंने कही एक दफा, आपको याद होगा, जी जी, खत्म हो गई बात। किसी किस्म के JUI के लोग एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं मिल रहे? अब नहीं मिल रहे, वो आखिरी मुलाकात थी हमारी, बस आखिरी के बाद कोई मुलाकात नहीं, नहीं। और कोई पैगाम रसानी का अमल तो चलता है सियासत में? नहीं, उस वक्त तो यही बात थी ना कि आज़ादी मार्च मत करो, और हमने आज़ादी मार्च किया, कुछ इक्तबासात उस मीटिंग की मैंने बता दी, ओपन भी की। अच्छा। अब रोज़ वही बात, रोज़ वही बात, नई बातें करते हैं। मौलाना फजल रहमान, ये जो तहरीक है इसको कहाँ तक लेके जाएंगे तो समझ आ रही कि कामयाबी वो मिलेगी? भाई, हमारी बुनियादी 3 बातें हैं, इमरान का इस्तीफा, असम्बलियों की तहलील, साफ और शफाफ इलेक्शन, ये 3 मुतालबात हैं, ये बजोर बाजू मानेंगे या शराफत से मानेंगे, बात ख़त्म हो। क्या लग रहा है आपको, शराफत से मानेंगे? मुझे लग ये रहा है कि इमरान इस वक्त फिजा में है, पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत नहीं है, हाउस में उसकी अक्सरियत नहीं है, और कहीं उसका रिट नहीं है। आज भी वो हमें रोकना चाहते थे, हमने चैलेंज किया, मैं 2 दिन पहले यहाँ आया, कल भी आया, मैंने कहा रोक सकते हो तो रोको, हमने आइन को हाथ में लिया, तुम इस तरह कर रहे हो मुल्तान की तरह, हमने कोई आइन की वायलेशन की, हमने कोई फसाद फैलाया? आज तो इनको अप्रिशिएट करें, आज तो इन्होंने नहीं रोका, बिल्कुल भी नहीं रोक सका, ये कहूंगा। किसी किस्म का कोई कंटेनर आपको मिला रास्ते में? नहीं नहीं मिला, इसका मतलब है कि सारे मामला ठीक है।